हेलो बच्चों, टेंथ क्लास में जो अभी अपना पांचवा लेसन चल रहा है लोकतंत्र का, उसी में अगली कड़ी के रूप में जो हम अगला टॉपिक लेंगे, तो ये हमारा लेक्चर थर्ड है जिसमें लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, जहाँ जहाँ लोकतंत्र है जिन जिन देशों में उसमें भी लोकतंत्र किस रूप में है। तो ये लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसका एक दूसरा नाम शुद्ध लोकतंत्र भी है, इसे कहा जाता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये दो इसके प्रकार हैं। तो इन दोनों प्रकारों में ऐसी क्या व्यवस्था है, इसमें क्या अंतर है, और ये कहाँ पर लागू हो सकता है, इसकी कुछ खास विशेषता क्या है, उसका अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब बच्चा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इतना तो आपको अर्थ पता ही होगा। प्रत्यक्ष में जो सामने हो रहा है, हम खुद देख रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष में किसी और के जरिए कोई कार्य कराया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये व्यवस्था जो है लोकतंत्र में है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो इसकी पहली खासियत है, विशेषता है, कि यहाँ पर जो भी ताकत है, जो भी पावर है, उसका इस्तेमाल जनता स्वयं कर रही है। पहला है इसका देख लें, प्रभु सत्ता जनता में निहित है। प्रभु सत्ता यानी जो पावर है, सत्ता जो चलाई जा रही है, वो किस में है, वो जनता में है। मतलब लोकतंत्र का तो एक गुण है ही कि सारी ताकत जो है वो जनता के पास होती है। तो यहाँ पर भी वही इसी को बताया गया है, पर यहाँ पे इसको और इसके बड़े रूप में कहा गया कि जनता कैसे इस्तेमाल कर रही है इसका, इसमें क्या खासियत है, जनता के पास जो पावर है वो कौन सी पावर है इसके पास। तो ये यहाँ पर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से और अपनी सत्ता का पूर्ण प्रयोग करती है। इस बात को एक विद्वान ने अपनी परिभाषा में भी कहा है, जिनका नाम है हर्ण शाह जो है, इन्होंने इसको स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कौन सी वाली, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उसमें जनता जो है अपनी प्रभु शक्ति का जो उपयोग करती है, स्वयं करती है, प्रत्यक्ष रूप से करती है, बिना किसी कार्यवाहकों के या बिना किसी प्रतिनिधियों के, और ये अपने सत्ता का जो है इस्तेमाल करती है। तो ये जो इनका कथन है, ये पूर्ण रूप से लोकतंत्र को स्पष्ट कर देता है। तो यहाँ पे जनता क्या करती है, तो सबसे पहली बात आती है कि वो नीति संबंधी फैसले, मतलब सरकार की जो नीतियाँ होती हैं कैसी होंगी, किस तरह से उसको लागू किया जाना है, उसमें क्या क्या उसमें संभावनाएँ होंगी आगे जनता के हित के लिए क्या है, तो ये सभी फैसले जो होते हैं किसके हाथ में होते हैं, जनता के हाथ। तो जनता से तात्पर्य उनके कोई नुमाइंदे होते होंगे, जिस तरह से अपन कहते हैं कोई खास जो है, मतलब अगर अपन देखें तो इस तरह से जनता के पास ही अधिकार है। दूसरा, कानून निर्माण करना। कानून जो बन रहे हैं वो भी कौन बना रही है, जनता बना रही है। बच्चों, अगर आपने पुरानी व्यवस्था देखी हो, तो पुराने समय में जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो गाँव में जो छोटे रूप में ही निर्णय वहीं के वहीं हो जाया करते थे। कोई टकराव है, कोई समस्या है, कोई किसी प्रकार की कोई कानूनी कोई निर्णय करना है, तो उस समय गांव के लोग ही मिल करके उसको वहीं के वहीं सुलझा लिया करते थे। तो ये क्यों पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ पे छोटे स्थान में और जनसंख्या कम थी, तो वहीं के वहीं निपटारा हो जाता था। तो कानून निर्माण हो रहा है, और साथ के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, बड़े बड़े पद पर जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति भी कौन कर रही है, जनता कर रही है। तो सोचिए, ये इतनी बड़ी पावर मिल रही है जनता को, तो ये केवल कहाँ संभव हो सकती है, जो कि छोटे राज्य हैं जहाँ कम जनसंख्या है, वहाँ पर ये हो सकती थी। और ये कहाँ होती थी प्राचीन समय में, तो इसका उदाहरण अगर अपन देखते हैं तो प्राचीन यूनान में जो नगर राज हुआ करते थे, वहाँ पर ये व्यवस्था पाई जाती थी। तो क्या वर्तमान में भी इसका स्वरूप कहीं है, तो अगर कोई देखते हैं कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वर्तमान में ये व्यवस्था कहाँ पर है, वर्तमान में ये व्यवस्था स्विट्ज़रलैंड के 5 कैंटनों में ये व्यवस्था अभी भी है, जहाँ पर जनता ये सब कार्य करती। तो ये जो है अपना प्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिभाषित करता है। तो इसका दूसरा रूप हमने देखते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जैसे भारत में कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष में, तो यहाँ पे जनता स्वयं नहीं करती, जनता पहले अपने कुछ उम्मीदवारों को, प्रतिनिधियों को चुनती है, और ये चुने गए प्रतिनिधि जो है वो जनता की तरफ से वहाँ पर शासन करते हैं। तो यहाँ पर जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रभु सत्ता का जो है वो उपयोग करती है या प्रयोग करती है, मतलब चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभु शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है।
तो इसलिए इसका एक दूसरा नाम है प्रतिनिधि लोकतंत्र। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा नाम है शुद्ध लोकतंत्र, तो ऐसे ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा नाम है इसका जिस नाम से जाना जाता है वो है प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं वो अपने यहाँ जो चुनाव व्यवस्था में आप देखते हैं कि चुनाव की जो घोषणा होती है तो जो राजनीतिक दल है वो अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करते हैं और जनता जिसको पसंद करती है, जिसको वो रुचि से वहाँ पर जा कर के वोट दे के आती है, वो जनता के प्रतिनिधि बनते हैं और वो वहाँ पर सरकार जा कर के चलाते हैं। तो ये जो कुछ विद्वान हैं इन्होंने इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो है परिभाषाएँ दी हैं, जिसमें जे एस मिल हैं, डाइसी हैं, सीले हैं, लिंकन हैं कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, या सीले और डाइसी की परिभाषा है कि भाई संपूर्ण राज्य जो भी है उसका अधिकांश हिस्सा जो होता है वो किसमें लिप्त होता है या किस में वो संलग्न होता है, शासन कार्यों में होता है, या शासन कार्य में प्रत्येक व्यक्ति का भी अपना एक हिस्सा होता है। तो इस तरह की कुछ परिभाषाएं जो हैं वो इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को पूरी तरह से परिभाषित करती है। तो यहाँ पे हमने लोकतांत्रिक शासन के दो रूप जो देखे वो थे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर इसी में हम अगला देखते हैं कि लोकतंत्र के बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं, तो उन सिद्धांतों में हम पहला सिद्धांत आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, या हम उसको कह सकते हैं दृष्टिकोण, लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न विचारकों ने अपनी अपनी राय दी है। मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत भी है, परंपरावादी सिद्धांत है, बहुलवादी सिद्धांत है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है इसमें हम पहला वाला ले रहे हैं आज, परंपरावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले जो विचारक हैं पश्चिमी जगत में, चूँकि इसको नाम दिया गया पश्चिमी लोकतंत्र में परंपरावादी सिद्धांत, इसके जो प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने इसके बारे में अपनी राय दी है, क्योंकि इन्होंने व्यक्ति को इसमें सर्वेसर्व माना है, व्यक्तिवादी विचारधारा में इसमें हॉब्स, लॉक, ये कुछ विद्वानों के नाम हैं जो बोल रही हूँ जिन्होंने इसका समर्थन किया है, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू, स्पेंसर, मिल, ये जो हैं इसके प्रमुख विद्वान इसके माने जाते हैं। अब इसकी जो परंपरा है, परंपरावादी सिद्धांत, इसकी कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, मतलब जो व्यक्ति के लिए कि व्यक्ति जो है वो अपना ही तहित समझता है, व्यक्ति में अपने सोचने समझने की क्षमता होती है, व्यक्ति को शासन कार्यों का ज्ञान होता है और शासन कार्य चलाने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, शासन में लोकतंत्र में शासन का गठन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर व्यक्ति को प्रमुख मानते हुए इन्होंने अपने विचार दिए हैं, और इन्होंने साथ के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए इसकी भी बात कही है कि व्यक्ति को जो है स्वतंत्र रूप से, और जो चुनाव में लोग खड़े हो रहे हैं वो भी जो है वहाँ पर अपने जो है कार्य कर सकते हैं, और जो जनता है जो है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में भाग ले सकती है। इसके अलावा न्यायपालिका जो है उसको भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है, जो अन्य शासन के अंग होते हैं जो चलाते हैं, तो कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, कोई बंधन ना हो, इसके लिए जो है यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था भी रखने की बात कही गई है। कि एक सबसे बड़ी बात जिसमें इन लोगों ने जोर दिया है कि इनका कहना है कि जनमत का आदर होना चाहिए। तो जनमत का आदर यानी किसका आदर? जनता का आदर, मतलब जनता की जो राय है, जनमत का जो शासन है, क्योंकि जनमत का जो शासन है मतलब अधिकांश लोगों की राय होती है, अधिकांशतः जो अपनी राय व्यक्त करते हैं, मतलब बहुसंख्यक का शासन। तो ये यहाँ पर लोकतंत्र का जो था वो पहला सिद्धांत मैंने आपको थोड़ा समझाया, अगले सिद्धांत को हम अगली कड़ी में देखेंगे। तो ये था लोकतंत्र का परंपरावादी सिद्धांत। तो यहाँ पर हमने एक तरह से देखा लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र की जो खासियत है उसके बारे में, इसके जो दो प्रकार हैं उसके। अगली कड़ी में बच्चों पर निर्णय सिद्धांतों में जो अगले सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनको आप ध्यान से वीडियो को सुन करके और समझ लीजिए। धन्यवाद।